देश की नजर इस वक्त दो महामुकाबलों पर है, एक जो क्रिकेट के मैदान में होना है और एक जहां पर चुनावी मैच के लिए तमाम बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज उतरे। हमारे सहयोगी विक्रांत गुप्ता, क्रिकेट एक्सपर्ट, जो क्रिकेट की हर खबर पर रखते हैं नजर, वर्ल्ड कप को आपके लिए ट्रैक करेंगे। विक्रांत हमारे साथ जुड़े रहेंगे। विक्रांत, लेकिन आज देखिए पूरे देश की नजर रही है, चुनावों के नजरिए से अगर आप देखिए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 230 सीटों पर एमपी में वोटिंग हुई, 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में हुई है दूसरे फेज की, कुल मिलाकर 300 सीटों पर वोटिंग हुई है। एमपी में वोटर्स खूब निकले हैं बाहर और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। स्टेडियम भी ऐसे ही पैक्ड रहने वाला है। विक्रांत, सही बात है, और जब एक कदम दूर रह जाए ना जीत, तो वो उसकी आपको महक आनी शुरू हो जाती है। मैं तो यहाँ पर दिल्ली में बैठा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अहमदाबाद की महक यहाँ पर आ रही है। आप तो दरअसल अहमदाबाद से और ज्यादा नजदीक हैं। हर कोई जानता है कि इस वक्त वर्ल्ड कप फाइनल, और अंजना ये चौथी मर्तबा है कि भारत वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है, यानी कि तीन बार हम खेले हैं, दो बार भारत जीता है, अब ये चौथा भारत जीतता है कि नहीं जीतता। अगर आप मेरे दिल से पूछे, मेरा दिल कहता है भारत जीत रहा है, और अगर आप मेरे दिमाग से पूछे तो दिमाग भी यही कहता है कि भारत ही जीत रहा है। दिल और दिमाग जब कहे कि जीत रहा है तो फिर जीत ही रहे हैं, मतलब इसके अलावा आप कोई विकल्प है नहीं, मतलब और ऐसा कितनी बार हुआ है विक्रांत कि कोई टीम अजेय रही है, एक भी मैच नहीं हारी है? अंजना, हुआ है इससे पहले, अगर आप 2003 में देखें और 2007 में देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम एक भी मैच नहीं हारी थी, और इस बार भारत वहां तक पहुंच गया जहां एक भी मैच नहीं हारा है। अच्छा, एक मैं बड़ा दिलचस्प आपको एक आंकड़ा दे दूं, 2003 में भी, यानी कि 20 साल पहले, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे, वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल था, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी धुरंधर टीम थी और 10 मैच जीत कर लगातार आई थी फाइनल में, और भारत नंबर दो था, भारत 8 मैच लगातार जीत कर आया था। अब देखिए रोल्स कैसे बदले हैं, अब भारत धुआंधार और धुरंधर है, 10 मैच लगातार जीत के फाइनल में आया है, और इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया 8 मैच लगातार जीत कर आया है। मजे की बात कि वो ऑस्ट्रेलिया का तीसरा वर्ल्ड कप जीत, हो सकता है ये भारत की तीसरी वर्ल्ड कप की जीत हो जाए, लेकिन जो भी है भारत ने जबरदस्त खेला है। अंजना, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, और सबसे बड़ी चीज कप्तानी जो रोहित शर्मा ने की है, अनमैच्ड, और नजर ना लगे बस, मैं तो बहुत ज्यादा इसीलिए क्रिकेट में बोल ही नहीं रही हूँ क्योंकि 19 नवंबर को पूरे देश की नजरें क्रिकेट के मैदान पर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, खुद पीएम वहां पर मौजूद रहेंगे, और इतना महामुकाबला हो रहा है, भारत की टीम जबरदस्त फॉर्म में खेल रही है, हर खिलाड़ी खेल रहा है चुनावी पिच में। लेकिन देखिए विक्रांत, अपने दर्शकों को दिखाते हैं, चुनावी पिच जरा सी अलग होती है। 18 साल से सीएम, मतलब कप्तानी कर रहे हैं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, अब उन्हें पता ही नहीं कि बीजेपी जीते या हारे वो सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, यहाँ पर अनिश्चितता भी है, लेकिन जोर आजमाइश सबने की है। क्या जोर आजमाइश हो रही है एमपी के चुनाव? सत्ता के सेमीफाइनल में कड़ा मुकाबला, राजनीति के मैदान से क्रिकेट के ग्राउंड तक, किसको मिलेगी जीत की ट्रॉफी? विक्रांत, इधर देखिए आप, चुनावी पिच पर बीजेपी की तो मल्टी स्टारर फिल्म, मतलब पूरी टीम निकल गई, कई लोग कह रहे हैं शिवराज 12th मैन है, हालांकि पूरी ताकत वो भी लगा रहे हैं, हर खिलाड़ी खेल रहा है इंडियन टीम में, ये विक्रांत इस बार सबसे ज्यादा खुश करने वाली बात, हर खिलाड़ी खेल रहा है। अच्छा, नहीं, वो चुनाव में भी होता है ना आपके, कि हर कैंडिडेट वो पार्टी को बनाता है, एक एक वोट है ना, अब वोटिंग से एक रात पहले, क्रिकेट में भी वही है, एक एक रन, एक एक खिलाड़ी और एक एक गेंद जो आप प्रैक्टिस में खेलते हैं, मतलब हम जब बात कर रहे हैं तो भारत की टीम वहां पर अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रैक्टिस भी कर रही है। और ये तो सही है कि वो नेता हो, उम्मीदवार हो या खिलाड़ी हो, हर कोई जीत ही चाहता है और हर कोई जीत ही चाहता भी है। तो मैं चाहता था कि आप इलेक्शंस के बारे में थोड़ा बताएं, मैं आपको इसके बाद बताता हूं भारत की तैयारी के बारे में। बिल्कुल, इलेक्शंस के बारे में जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं विक्रांत, क्योंकि देखिए जोर आजमाइश तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कौन सी पार्टी, जैसे एक तरफ कांग्रेस पार्टी अब 7 गारंटीज की बात कर रही है, तो बीजेपी कह रही है हमारा संकल्प पत्र है, हम उसे पूजा करेंगे, लाडली स्कीम के 1250 रुपए को हम 1250 जो रुपए हैं उसको हम पहुंचा देंगे
3000 पर। इधर कांग्रेस कहती है हम 3000 देंगे। अब हर कोई क्या कुछ दे सकता है, पैसे बांट सकता है, इन सब पर पॉलिटिक्स आ गई है। लेकिन इसी के साथ एमपी के आज वोटिंग के दिन जबरदस्त जोर आजमाइश दिखी, जुबानी जंग भी दिखी, सब एक दूसरे पर हमलावर है, आतंकी, पाकिस्तान, सब कुछ आ गया। तो दूसरी तरफ कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आज पूरे दिन सभी की नजरें चुनावी राज्यों की तीन खबरों पर टिकी रही। पहली खबर वोटिंग प्रतिशत, दूसरी खबर चुनाव में अलग अलग दलों के दिग्गजों की वोटिंग, तीसरी खबर वोटिंग शांतिपूर्ण रही या फिर हिंसा भी हुई। हम आपको वोटिंग का प्रतिशत बताएं, उससे पहले आपको आज की बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी दलों के नेता पूरे जोश में दिखे। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने पोलिंग बूथ पर वोट डाले। अब आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं, जहां बघेल के सामने खुद को रिपीट करने की चुनौती है तो बीजेपी के सामने वापसी करने की। छत्तीसगढ़ में भी दिग्गजों ने सुबह सुबह पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाले। दिग्गजों ने अपने वोट डाले, लेकिन मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जमकर हिंसा हुई। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर्स में जमकर मारपीट हुई। यहां तक कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। दूसरी तस्वीर भिंड की है, जहां पर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजों के निशाने पर बीजेपी के प्रत्याशी थे। तीसरी तस्वीर मुरैना की है, जहां पर फायरिंग हुई, फायरिंग में दो लोग जख्मी हो गए। चौथी तस्वीर छतरपुर की है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मीडिया के कैमरे पर रोते हुए नजर आए। गाड़ियों से कुचल डाला, टच नहीं करना, कंप्लेंट करिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक चीज समझिए। पांचवी तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, जहां दो प्रत्याशी आपस में ही भिड़ गए। मतलब ये कि आज वोटिंग के दौरान कुछ जगह पर हिंसा हुई। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग का प्रतिशत क्या रहा। मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक 71.16% और छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक 67.48% वोटिंग हुई। अब 3 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेगा, तब पता चलेगा कि सत्ता के सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत की ट्रॉफी किसे मिलेगी। आज तक ब्यूरो। तो मुकाबला जबरदस्त है, लेकिन हिंसक झड़पें और मध्य प्रदेश में इस तरह की नौबत आ रही है कि लोग सड़कों पर तलवारें निकाल रहे हैं चुनाव के दिन, ये अपने आप में भी एक चिंता की बात है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो चाहे वो वर्ल्ड कप हो विक्रांत, चाहे चुनावी मैदान हो, जैसा आपने कहा ना, एक एक रन कीमती है यहाँ पर, एक एक वोट बेस कीमती है, पूरी ताकत सभी पार्टियां झोंकती हैं। और शायद इसीलिए चाहे बीजेपी हो, चुनाव 2024 का करीब है, पूरी ताकत वो झोंक रही है। अंजना, सरकार के लिए तो आपको 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। यहां पर तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल 20 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 2003 के बाद ये 2023 में दोनों टीमें आमने सामने हैं। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया 2003 में भारत से जीता था, आज 2023 में भारत ज्यादा बड़ी टीम दिखती है। उस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 360 रनों का टारगेट भारत को दिया था, वो आसान नहीं था। बरसात आई, लेकिन उसके बावजूद भारत ने 39.2 ओवर बैटिंग की और 234 रन बनाकर इंडिया आउट हो गया था। सहवाग के रन थे, बाकी बल्लेबाज चल ही नहीं पाए। लेकिन 20 साल बाद दोनों टीमें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। इस बार भारत की टीम में रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करें या फिर उनके जो नॉन स्टॉप 10 मुकाबले भारत ने जीते हैं उसकी बात करें, मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने उतरेगा। पिछले 7 फाइनल में उन्होंने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है, जबकि भारत की टीम 4वीं बार वर्ल्ड कप फाइनल खेलने के लिए उतरेगी। 3 खेले हैं, 1983 और 2011 में भारत,
जीता था। 2003 वाइट भारत की वर्ल्ड कप फाइनल की हार। ऑस्ट्रेलिया ने जो 7 वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं वो है 1975 1975, वो हार गए वेस्ट इंडीज से। 1987 में वो कैलकटा इंग्लैंड को हराकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने। फिर ईडन गार्डन्स में, फिर 1996 में वो लाहौर में जाकर श्रीलंका से हार गए। 1999 में वो जीते, उन्होंने लॉर्ड्स में पाकिस्तान को हराया। उसके बाद 2003 में भी ऑस्ट्रेलिया जीता, उन्होंने जोहान्सबर्ग में इंडिया को हराया। फिर तो लगातार जीतते रहना, 99 भी जीते, 2003 जीते, 2007 जीते और फिर 2015 आखिरी वर्ल्ड कप वो जीते थे मेलबर्न, न्यूजीलैंड को हराकर अपने घर पर। भारत ने, जैसे मैंने आपको बोला, इससे पहले 3 वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं, 2 बार जीते हैं। 1983 में वेस्ट इंडीज को हराया लॉर्ड्स, उसके अलावा 2011 2 अप्रैल 2011 भारत ने हराया था श्रीलंका को वानखेड़े स्टेडियम। बड़ी बात यह भी है कि 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बैटर फिलहाल टॉप 5 रन गेटर्स में नहीं है। टॉप पर आपको विराट कोहली दिख रहे हैं और डी कॉक, रविंद्रा, डैरल मिचेल, ये इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। यानी कि जो वर्ल्ड कप की अलाइव टीमें हैं उनमें सिर्फ 2 ही बल्लेबाज टॉप 5 में थे, एक है विराट और दूसरे हैं रोहित शर्मा। अगर आप गेंदबाजी पर नजर डालें, यहां पर मुकाबला हो सकता है। एडम जाम्पा सेमीफाइनल में विकेट नहीं मिला लेकिन इनकी 22 विकेटें हैं। शमी नंबर 1 चल रहे हैं, इनकी 23 विकेटें हैं लेकिन सिर्फ 6 मुकाबलों में। मधुशंका की टीम बाहर हो चुकी है, कोयटजे की टीम बाहर हो चुकी है और फिर बुमराह 18 विकेटों के साथ भारत अभी जिंदा है। तो ये है जी आंकड़े अंजना, ये आंकड़े आपको ये दिखाते हैं पूरी तरह से कि ये गेम भारत की है। बस भारत को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल दिन नॉर्मल गेम खेलना है।